Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबका इस सतोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है. सतोलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई. उसके विपरीत है मिथोलॉजी, जो नकली काल्पनिक जो फेक है उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान. तो सतोलॉजी शब्द को रामायण के लिए कभी, मिथोलॉजी शब्द को रामायण के लिए कभी यूज मत करें, बिकॉज इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग, आप इतिहास यूज कर सकते हैं, हिस्ट्री भी यूज नहीं करें. हिस्ट्री होती है इवेंट के बाद लिखी जाती है, इतिहास करंट वर्ड है. इतिहास को आप बोल सकते हैं जो ऐसा हुआ. तो आज हमारे साथ वी आर वेरी फेमस नाउ ऑन आवर चैनल, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज. नमस्कार। नमस्कार. नमस्कार. तो ये आज का जो आपने टॉपिक चूज किया है, आपका ही टॉपिक है ये, और जी मेरा तो है ही, राममय भारत. हाँ जी राममय भारत इज द करंट स्टेट ऑफ भारत, विच इज अमेजिंग, क्योंकि पूरा भारत राइट। जो है राम की बात हो रही है. और यहाँ तक कि भारत की भी नहीं आई, कल मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज देखा, अभी यहाँ पर भी सैंडिगो में भी अपने जो कुछ कार्यकर्ता टाइप है वो सब प्रिपेयर कर रहे हैं क्या होना चाहिए, और सारे मंदिरों में उत्साह है. बहुत भाईजान सुंदर, बहुत सुंदर। सैन डिएगो में, एलए में, रिवर साइड में, सभी मंदिरों से मुझे इनविटेशन आया, और सभी ने बताया कि अभी हमारा राम को 22 जनवरी को है, थोड़ा आके बताइए राम के बारे में. बहुत तो सुंदर। आप जो बात कर रहे हैं काकुत्स था, जो जिस तरह की जो आपने रामचरितमानस की चौपाई बोली, तो का उसमें चुप साथ ही रहा बलवाना, हाँ तो ये का जो चुप साथ ही रहा बलवाना, हाँ तो ये जो पंक्ति है, किसने किसको बोली और कहाँ पे आती है जी रामायण में? जी ये जब सुग्रीव भेजते हैं वानरों को सीता की खोज के लिए, तो रामचरितमानस में है ये प्रसंग। वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग है, लेकिन ये चौपाई रामचरितमानस की है कि जब वो समुद्र के किनारे जटायु के भाई की मदद से पहुंच जाते हैं, संपाति की मदद से, तो अच्छा, और उन्हें पता चल जाता है कि समुद्र के पार लंका में भगवती सीता को रावण ने ले जाकर रखा है। तो वो समुद्र के किनारे तक तो पहुंच गए उनके सहयोग से, लेकिन इसके बाद कैसे करें, तो उस पर विचार विमर्श होता है, कैसे जाएं कैसे जाएं। तो सब बंदर कहते हैं, सब वानर, बंदर कहना तो गलत है, सब वानर जो वहां देवता थे, महापुरुष थे, शक्तिशाली थे, एक से एक शिल्प में, कला में, कौशल में, बल में, वीरता में, शौर्य में अद्वितीय थे, वो सब कह रहे हैं कि हम इतनी दूर तक तो जा सकते हैं, कुछ और दूर बताते हैं, वहां तक जा सकते हैं, लेकिन सीधे समुद्र को लांघ जाएं ये हम में सामर्थ्य नहीं। अंगद अंत में कहता है, युवराज अंगद कहते हैं कि मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन फिर लौटने के बारे में संशय है, उसकी अलग अलग कथाएं हैं। तो आज का विषय ये है कि इस पर फिर जब सब लोग बोल लेते हैं, हनुमान जी केवल चुप खड़े हैं, तो जामवंत जो ऋषपति हैं वो बोलते हैं। उसमें तुलसीदास की जो चौपाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वही चर्चा कर लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि रामेश्वर जी, थोड़ा अपने कैमरे को ठीक करिए, आप थोड़ा सा पीछे करिए उसको. अच्छा, और पीछे हैं हाँ ऐसे, अब नहीं, ठीक है, और पीछे की तरफ आइए, क्योंकि वो पूरा जो आपका फेस है ना वो कैमरे पे वो अटका हुआ है. और हाँ अब आप कैमरे को थोड़ा नीचे करिए ताकि वो फिक्स हो, ठीक से हो. अच्छा, अब पीछे की तरफ आइए. हाँ अब थोड़ा बेटर है, थोड़ा अब बेटर, ठीक है, और हैं नीचे, और नीचे थोड़ा सा. कैमरे को और नीचा करें, हाँ हाँ आप वहीं पे बैठे रहिए, परफेक्ट है, अब ठीक परफेक्ट. है ठीक। तो सीधे मैं मानस को ही खोल लेता हूँ, उससे जिससे कि पंक्ति में कोई ये बड़ा इंटरेस्टिंग जी इंसिडेंट है. अभी एक चीज मुझे इस कहानी में बड़ी अच्छी लगती है कि जी ये जो यहाँ पर सभी वानर अपनी क्षमता को अच्छी तरह जानते हैं, हाँ और सब लोग अपने अपने हिसाब से योगदान देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अपनी वास्तविक सिचुएशन बता देते हैं. हाँ कभी कभी क्या होता है कि सेवक है ना, वो अपनी वास्तविक सिचुएशन गुरु को नहीं बताता है.
हाँ उससे दिक्कत हो जाती है। उससे दिक्कत हो जाती है। सब लोग बोलते हैं हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन अब गुरु को हमेशा अपने वास्तविक सिचुएशन बतानी चाहिए ताकि बिल्कुल, आपके ऊपर जब गुरु डिपेंड करे तो आप सही से कर बहुत सकें। सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो और ये मैंने भी वही ये पता गलती बहुत बार की है, तो मैं भी इसमें जी बहुत गिल्टी हूँ, इसलिए बड़ा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ मैं जी कि खैर अभी चौपाई तो हमें नहीं मिल रही है, मैं वैसे बता देता हूँ, याद है वो कहे कि कहाई ऋषिपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना। ऋषिपति यानी जाम्बवान कहते हैं कि हे हनुमान बलवान चुप क्यों साध रहे हो, यानी चुप चुप साध रहे हो, उसमें ये खास शब्द है ना, मतलब वो चुप्पी को रोके हुए हैं, यानी उनमें बोलने की सब प्रकार से सामर्थ्य है, उनसे ज्यादा कौन विद्वान होगा, लेकिन जानबूझकर चुप हैं कि सब लोग बोल लें। तो कहाई ऋषिपति सुनु हनुमाना, का चुप साध ही रहा बलवाना। फिर उनकी प्रशंसा करते हैं कि तुम तो भगवान राम के, राम काज लगी तब अवतारा, तुम तो भगवान राम के कार्य के लिए ही पैदा हुए हो। जब वो अंत में ये कहते हैं, पहले कहते हैं कि तुम बुद्धि बल में बहुत आगे हो, बहुत बुद्धिमान हो, सब कहते हैं, वो सुनते रहते हैं, अंत में वो कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा, राम भगवान राम के कार्य के लिए ही तो तुम अवतरित हुए हो। तो सुनते ही भय पर्वताकार, तब वो पर्वताकार हो जाते हैं, उनको अपनी शक्ति का स्मरण आ जाता है और फिर वो तैयार हो जाते हैं समुद्र पार जाने के लिए। इस चौपाई का बहुत महत्व है आज के संदर्भ में, क्योंकि हमारा जो भारत वर्ष है, जो वास्तविक भारत है, वो 77 वर्षों से हनुमान जी की ही तरह शांत है, और तरह तरह के कार्टून लोग और कुछ राक्षस लोग भी यहाँ उछल कूद मचा रहे हैं, है ना। तीन तीन राक्षस सबसे ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं 77 वर्षों से, कम्युनिज्म जो कि रावण की तरह है, सोशलिज्म जो कि कुंभकर्ण की तरह है, और यूरोपियन किस्म का नेशनलिज्म जिसे हम मेघनाद कह सकते हैं, जिसमें थोड़ी अच्छाई भी है लेकिन थोड़ा दोष भी है। अब भगवान राम की चेतना अगर देश में फैलेगी, अगर जो बलवान है भारत, जो स्वदेशी भारत, जो धर्मनिष्ठ भारत, सत्यों में स्थित भारत है, तो ये तीनों ही राक्षसों का दहन हो जाएगा, जल जाएंगे, रावण कुंभकर्ण और मेघनाद, कम्युनिज्म सोशलिज्म और यूरोपियन किस्म का नेशनलिज्म, तीनों का नाश हो जाएगा, और भारत की जो अपनी प्रज्ञा है, अपनी चेतना है, वो जग उठेगी। तो का चुप साध ही रहा बलवाना, ये भारत के लिए भी है कि हे भारत तुम तो ऐसे हो जिसमें कोई ग्लानि ही नहीं, जिसने सारे संसार को मार्गदर्शन दिया है, और ये इन दुष्टों के छली लोगों के प्रपंच से तुम कहाँ सिकुड़े बैठे हो। इन लोगों ने क्या किया है, तीन प्रकार की संकीर्णता भारत में पैदा की है। पहला तो देशगत, ये बता दिया है, ये राष्ट्रवाद के नाम से 15 अगस्त 1947 के बाद का जो खंडित भारत है उसी में सारी, कहते हैं कि बस इतना ही भारत है, यानी जो भारत की वास्तविक व्याप्ति थी किसी समय संपूर्ण जम्बू द्वीप में था, और भारत के प्रतापी और यशस्वी सम्राटों का ये कर्तव्य माना जाता था कि वो निरंतर अपनी सीमा को बढ़ाएं, और मांधाता जैसे राजा थे, स्वयं भगवान श्री राम हैं, इनका संपूर्ण पृथ्वी पर शासन था। आप तो सब जगह जाते हैं तो देख ही रहे हैं कि सब जगह भगवान राम के शासन के अंश मिलते हैं। हमारे यहाँ राजा का ये कर्तव्य भी था कि वो सनातन धर्म का विस्तार संपूर्ण विश्व में करे। विस्तार का अर्थ ये नहीं होता कि अपने एजेंट सब जगह रखे, जो जहाँ शासन कर रहा है उसी में ऐसी बुद्धि का प्रचार करे कि वो धर्म भावना से सार्वभौम सनातन मूल्यों से अनुशासित रहे। भगवान के लिए भी, मानधाता के लिए कहा है कि यावद उदयति सूर्यम यावत यावन्यात अस्ताचलम तत्सर्वम मानधातस्य तत्सर्वम यौवनाश्वस्य मानधातु क्षेत्रम उच्यते। यौवनाश्व के पुत्र मानधाता का क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी है। तो इसी प्रकार भगवान राम के लिए कहा है, भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला। यद्यपि तुरंत तुलसीदास ने यह भी सही दोहरा दिया है कि भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह महिमा कछु अधिक न थासु। तो भगवान राम अगर भूमि सप्त सागर मेखला इसके स्वामी हैं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के रूप में जब वो अवतरित हुए हैं तो भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला।
चक्रवर्ती सम्राट हैं संपूर्ण पृथ्वी के, भगवान श्री राम। तो देशबोध को धूमिल कर दिया है राक्षसों ने, कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों और यूरोपियन किस्म के नेशनलिस्टों ने भारत के देशबोध को संकीर्ण कर दिया है। इसके बाद कालबोध को भी धूमिल किया, जो एक व्यापक ब्रह्मांडीय काल गणना है, सृष्टि चक्र प्रवर्तित है उसमें। उसकी गणना बड़ी लंबी है कि इतने वर्ष कलयुग रहेगा, इतने वर्ष द्वापर युग रहेगा, इतने वर्ष सतयुग। लेकिन राष्ट्र के भीतर, राष्ट्रों के भीतर युग बदलते रहते हैं। हमारे एक तो स्वयं पुराणों में लिखा है कि चारों, इतने सारे चारों युग वस्तुतः केवल भारत भूमि में होते हैं, बाकी तो सब कर्म भूमि ही नहीं है, भोग भूमि है। तो जैसे भोग योनि के लिए कोई काल का फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह भोग योनि के लिए जैसे फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह भोग भूमि के लिए भी फर्क नहीं पड़ता बाकी सब देशों का। जब तक वहां सनातन धर्म का शासन नहीं है, तो वो एक तरह से तमस से ढका हुआ रजोगुणी क्षेत्र होता है। तो भारत, जब सनातन धर्म का उदय जिस देश में होता है, जिस क्षेत्र में, वहां ही चारों गुण आते हैं, सतयुग। क्योंकि महाभारत में क्या कहा है, कालो वा कारण हराज्ञो राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। तो राजा ही काल का कारण है। तो और इसी तरह शुक्र नीति में कहा गया है कि युग प्रवर्तको राजा, राजा ही युग का प्रवर्तक है। शुक्र नीति सार में भी कहा है, शुक्र नीति में भी कहा है और महाभारत में भी कहा है। लेकिन अभी के ये जो तीन वाद हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, इन्होंने भारतीयों का, जो सहज स्वस्थ धर्मनिष्ठ भारतीय हैं, उनका भारत बोध सिकोड़ दिया है, देशगत बोध सिकोड़ दिया है कि वो इस खंडित सीमा को ही भारत मानते हैं, और कालगत बोध सिकोड़ दिया है कि अब तो कलयुग है, अब तो यही होगा, अब तो पाप ही होगा। तो ये बहुत ही दोष हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हम महाकाल सर्वत्र हैं और जिस प्रकार की आप उपासना करेंगे, साधना करेंगे जीवन में, वो काल प्रकट होगा। महाकाल की कृपा से कोई भी काल कभी भी प्रकट हो सकता है, सीमित अर्थ में। ब्रह्मांडीय अर्थ अलग है, देश के भीतर सतयुग, ऐसे बहुत से उदाहरण है पुराणों में कि उस समय देश के अन्य हिस्से में कलयुग था या त्रेता था या द्वापर था, लेकिन उन राजा के राज्य में सतयुग था। तो इससे पुरुषार्थ की, पराक्रम की प्रेरणा मिलती है भगवान राम का स्मरण करने से, एक तो ये होगा, और दूसरे बोधगत संकीर्णता भी ला दी। बोधगत संकीर्णता क्या है, हमेशा अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते, अरे भारत तो अब ऐसा ही है, और अमेरिका के सामने भारत क्या है, कुछ नहीं है, और सोवियत संघ के सामने भारत क्या था, कुछ नहीं था, और इस्लाम बड़ा ताकतवर है, मुसलमान मार डालेंगे, हमेशा ग्लानि और भय में सिकुड़े रहना। तो ये देशगत दोष, कालगत दोष, बोधगत दोष, ये तीनों फैल रहे थे। भगवान राम के स्मरण से तीनों का नाश होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं कहूंगा। एक्चुअली मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ। जैसे फॉर हाँ एग्जाम्पल, कम्युनिज्म एक कम्युनिटी का कल मत है और एक कम्युनिटी बेस मत है, मतलब उसका रियल नहीं है, लेकिन लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो अलग तरीके से होता है। कि भगवान अनीश्वरम, जगद आहुर अनीश्वरम, कोई ईश्वर नहीं है, हम ही कंट्रोलर है, हम भोक्ता, हम ही सब है। और वहां पे एक मनुष्य को, एक आप मुझे करेक्ट करिएगा यहाँ पे प्लीज, मैं इसको हम एक करेक्ट तरीके से, करेंगे, हाँ मैं इसको एक अलग कहिए तो तरीके से, मैं पहले करेक्ट करूं या बाद में, इसमें बहुत करेक्शन है। हाँ तो मेरे को आप बाद में करेक्ट करिए, मैं बोलता हूँ। हाँ हाँ बस ये हाँ पूरा कह बहुत लीजिए। सारा ये जो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या फिर स्टालिन की पार्टी, इन्होंने भगवान को निकाला, मतलब इनका जो ईश्वर है उसको निकाला, और दे बिकम द कम्युनिटी कस्टोडियन, और फिर उन्होंने अपने हिसाब से पॉलिसीज डाली। स्टालिन ने बहुत लोगों को मारा, माओ ने तो 50-60 मिलियन लोगों को मार डाला। और इसी तरह की मानसिकता से अभी जो ये यूरोपियन फिलोसफीज हैं सारी, जो इधर उधर पहुंची हैं, और ये फिर उन्होंने अलग हत्या। तो ये कम्युनिज्म के जो माइंडसेट है कि अ ह्यूमन और ये जो हमारा सब कुछ, हमारा स्टेट अपैरेटस हो, मतलब स्टेट अपैरेटस क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, कि हाँ, एक राज्य, राज्य ही सब, राज्यतंत्र, राज्य ही सब राजतंत्र कुछ। सब कुछ है, वही भगवान है ना, वो उस। तो ये जो मानसिकता, जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आता है कि माई नैरेटिव इज द ओनली नैरेटिव एंड योर नैरेटिव वी हैव टू राइट टू डिस्ट्रॉय इट बाय वेपन्स, बाय एनीथिंग। अब मुझे करेक्ट करिए इधर प्लीज। अब इसमें
सबसे अंत में आपने जो बोला वो पूर्ण सत्य है, लेकिन इसके पहले की जो व्याख्या है वो चर्च के द्वारा फैलाई गई व्याख्या है, और सारी दुनिया में लोग वही कह रहे हैं, चर्च ने ऐसा बेचा है कम्युनिज्म को। ऐसा है कि कम्युनिज्म और चर्च में बहुत बारीक अंतर है, क्योंकि मैंने कम्युनिज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और हिंदुत्व सबको बहुत ज्यादा पढ़ा है दर्शन के विद्यार्थी के नाते। तो कम्युनिज्म के विषय में सारे संसार में भ्रम है कि वो एंटी गॉड है ना, लेकिन सच ये है कि जो गॉड एज परसीव्ड बाई चर्च वो स्वयं में नास्तिकता है। गॉड के बारे में चर्च का जो की जो धारणा है कि वो सातवें आसमान में बैठा एक पुरुष है बूढ़ा सयाना, तो वो तो एक नास्तिक धारणा एग्री, है टोटली ना। एग्री, यस। तो चर्च पूरी तरह नास्तिक संस्था है ना, और और कम्युनिज्म चर्च की ही चर्च नहीं, कम्युनिज्म प्रमोट करता है हर जगह। केरला हाँ, तो में चर्च वैटिकन की वजह से कम्युनिज्म है, हाँ, और चर्च के रिबेल के रूप में कम्युनिज्म आया, तो वो चर्च के भीतरी भीतरी झगड़े हैं, यानी झगड़ा। उनके आप जैसे हमारे यहाँ संप्रदायों में कुछ मतभेद होते हैं, यस तो चर्च चर्च और कम्युनिज्म में उतना ही भेद है जैसे दो संप्रदायों में आपस में शास्त्रार्थ का मतभेद होता है, वास्तविक मतभेद। जैसे शैव और शाक्त में क्या मतभेद है, बहस करेंगे, लेकिन अंत में सब एक ही है, सनातन धर्म के अंग है। तो चर्च और कम्युनिज्म एक ही है। दूसरी बात, क्योंकि कम्युनिज्म लोग पढ़ते नहीं हैं, तो चर्च के प्रोपेगेंडा के कारण उन्होंने उसकी मोटी बात, चर्च भौतिकता कम्युनिज्म भौतिकतावादी नहीं है, और चर्च भी भौतिकतावादी भी नहीं है, आध्यात्मिक भी नहीं है। ये लोग एक तरह से बहुत ही टेक्निकल इंटेलेक्चुअल है, मतलब ये अपने टर्म्स को एक स्पेसिफिक अर्थ देते हैं, क्यों, ताकि साधारण लोग उसको समझ नहीं पाए। समझ लो भाई, करेक्ट। हाँ, क्योंकि कम्युनिज्म में जो मैटर है और चर्च में भी जो मैटर है वो ये पदार्थ नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है, वहां मैटर एक कॉन्सेप्ट है, और कम्युनिज्म में भी मेटीरियलिज्म इज ए कॉन्सेप्ट, मतलब इज एन इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट। तो मेटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट हैं, ये जो वास्तविक पदार्थ हैं संसार के उनसे उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि संसार के पदार्थों को तो कम्युनिस्टों ने नष्ट किया। इसलिए जब लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट भौतिकतावादी हैं तो मैं हंसता हूँ, कम्युनिस्ट तो सबसे ज्यादा भौतिकतावाद के विरोधी हैं, क्योंकि जितनी भौतिक वस्तुएं हैं जैसे सुंदर सुंदर भवन, संपत्तियां, मनुष्य, सबका नाश किया उन्होंने। माओ का तो आपने सुना ही है कि उसने कितना भयंकर नाश किया, मनुष्यों का नाश किया, चीन के सारे मंदिरों का नाश किया, बौद्ध मठों का नाश किया, ये सब तो भौतिक वस्तुएं ही थी ना, उसमें क्या अध्यात्म, देखने में भवन है, मनुष्य है। तो कम्युनिज्म भौतिकतावादी बिल्कुल नहीं है, कम्युनिज्म भौतिकता का भी शत्रु है, भौतिक वस्तुओं का शत्रु है, और वो एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट रचता है, क्यों, जो आपने कहा कि ताकि हमारा थॉट प्रिवेल करे, केवल शासक का थॉट चले और किसी का थॉट नहीं चले, यही चर्च का था। चर्च के अलग अलग सेक्ट जाते थे, बस हमारा थॉट चले, अगर हम ट्रिनिटी को मानते हैं तो ट्रिनिटी को माना जाए, कोई मरियम को नहीं मान सकता, अगर हम सेंट किसी सेंट को होली मानते हैं तो वो होली है, दूसरा उसे होली नहीं कहता, मतलब ये सब इंटेलेक्चुअल फाइटिंग है, वो भी बहुत ही नैरो है ना, बहुत ही नैरो, इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट है, माने बुद्धि की रचनाएं हैं, मनोरचनाएं, इनका सत्य से, धरती से, भौतिक वस्तु से कोई रिश्ता नहीं है, भवन से, वस्तुओं से कोई रिश्ता नहीं। और भारत में अधिकांश लोग कम्युनिज्म को भौतिकतावादी मानते हैं, जो अज्ञान है, कम्युनिस्ट भौतिकतावादी नहीं होते, वो भौतिकता के शत्रु होते हैं, और हम लोग जो सनातन धर्मी है वो ना भौतिकता के विरोधी है ना अध्यात्म के विरोधी है, सबको यथावत, सम्यक, शास्त्र सम्मत और मर्यादित ढंग से जीवन जीने के, भौतिक हम लोग कोई भौतिकता के विरोधी नहीं है, समृद्धि, भौतिकता का अर्थ है समृद्धि, हम तो भौतिक समृद्धि भी चाहते हैं। तो कम्युनिज्म के बारे में बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि चर्च के बारे में बहुत बड़ा भ्रम है कि वो कोई धर्म है। चर्च और जो मैं बोधगत कह रहा था, जो बोधगत कंफ्यूजन फैला उसमें एक कंफ्यूजन ये भी है कि चर्च को और इस्लाम मजहब को धर्म कहना सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि चर्च तो धर्म है ही नहीं है, और संसार का कोई भी पढ़ा लिखा ईसाई चर्च को धर्म नहीं कहता, रिलीजन कहता है, और न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में रिलीजन और धर्म दोनों की अलग अलग एंट्री, दोनों टर्म्स ही अलग अलग है। इसी तरह संसार का कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान जो कुरान को पढ़े है वो इस्लाम को धर्म नहीं कहता, मजहब कहता है। केवल भारत के कुछ दुष्ट और मूर्ख हिंदू, कुछ दुष्ट और कुछ मूर्ख हिंदू इस्लाम और ईसाइयत को धर्म कहते हैं, और गांधी जी ने सबसे पहले ये पाप किया कि इस्लाम को और चर्च को धर्म कहने लगे।
चर्च धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं, तो ये क्या है, ये बोधगत कंफ्यूजन है। खैर, लेकिन अपन बात कर रहे थे राम की। भगवान राम के उदय से जो हो रहा है देश में, जो सब कुछ हो रहा है वो देखने लायक है। एक एक लाइन बोलिए, एक बात बताइए कि भगवान राम के वापस, भगवान राम तो हमेशा है, लेकिन अब जब उनकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वापस उसी जगह पे जहां पे उनका जन्म हुआ, तो ये तीनों जो रावण कुंभकर्ण मेघनाद जो आपने बताया अभी, इनका वध किस तरह वो मंदिर करेगा? हाँ, वही बता रहा हूं, ये थोड़ा धीरे से क्रमशः बताएंगे, इसको उदाहरण से बताएंगे तब स्पष्ट होगा। उदाहरण क्या है कि मैं देखता हूं, अभी जब राम जन्मभूमि न्यास ने राम मंदिर के लिए लोगों से श्रद्धा निधि मांगी, तो ऐसे ऐसे लोग हमारे क्षेत्र में और देश भर की खबरें भी आई, अपने क्षेत्र के परिचित को भी जानते, ऐसी वृद्धा जिसने जीवन बहुत ही संयम से जिया है, अपने शरीर पर बहुत कुछ नहीं खर्च करती, धन जोड़ के रखे थी, और कई वर्षों से वो सुन रही थी कि राम मंदिर बनेगा, वो रखे थी और उसने 1 लाख रुपए श्रद्धा निधि दे दी। अब वो जो 1 लाख है ऐसे व्यक्ति का, जिसने जीवन भर बस साधारण भोजन किया, कोई भोजन में भी समृद्धि नहीं थी, वस्त्रों में भी नहीं, घर भी साधारण घास फूस का, मतलब साधारण सा घर, उसमें रहने वाली वृद्धा जो दे रही है, और भारत के सब लोगों को ये पता है कि उस वृद्धा का 1 लाख रुपया या किसी का 21,000 रुपये भी हो, तो वो किसी बड़े से बड़े जुगल किशोर बिड़ला या और किसी के द्वारा खरबों रुपयों के दान के बराबर है। इसी प्रकार श्रद्धा में उसकी श्रद्धा, और अगर कोई पुजारी है, महंत है, वो भगवान के भक्त को भक्ति पे जितना डूब जाता है, दोनों की श्रद्धा में कोई अंतर नहीं। जो ये जगह जगह लोकगीत चल रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, सबरी की याद करके राम आएंगे, तो ये क्या है, ये अंतर जो मिट रहा है, पहले इसको समझें कि भौतिकता का जो भी अंतर है भगवान राम के संदर्भ में वो कोई अंतर नहीं। एक गरीब आदमी अपनी समूह समय समूची जमा पूंजी जो बचत के रूप में करता है, वो 11,000 या 21,000 या 1 लाख दे देता है, और सब लोग मानते हैं कि वो दान खरबों रुपयों के बराबर है, अगर उसने अपने जन्म भर की जमा पूंजी दी है, तो कोई धनी आदमी जो कई खरब रुपए दान देगा, भारत में ये आध्यात्मिक चेतना है, जो स्वदेशी भारत है उसमें ये आध्यात्मिक चेतना है कि ये उस वृद्धा का या किसी सयाने आदमी का या आर्थिक रूप से किसी विपन्न व्यक्ति का अपनी संपूर्ण जीवन की जमा पूंजी का दान धनियों के खरबों रुपयों के बराबर है, खरबों डॉलर्स के, बिलियंस डॉलर्स के बराबर है। तो ये क्या है, भौतिक स्तर विन्यास भगवान राम के संदर्भ में नष्ट हो जाता है, जो भौतिक हायरार्की है वो खत्म हो जाती है। इसी प्रकार भावात्मक हायरार्की भी, क्योंकि जैसे वो भाव विभोर हो रहे हैं तो गांव के दूर के उनको क्या मिलेगा, भौतिक दृष्टि से अगर देखें तो मंदिर बन रहा है, मंदिर से मोदी जी की छवि चमक रही है, भाजपा की छवि चमक रही है, योगी जी की छवि चमक रही है, उसे क्या मिलेगा, उसे जो मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, राम रस है, भक्ति रस है। तो वैसे भौतिक दृश्य देखने को तो उसका वही उसकी रोजी रोटी अगर है, समस्या तो ऐसी ही रहेगी, अगर वो संयमित थोड़े में कर रहा है, उसकी आजीविका का साधन छोड़ा है, थोड़े ही तनख्वाह मिल रही है उसके पुत्र को या उसको, उसी में जीवन जिएगा। वो ये नहीं समझ रहा है कि राम मंदिर से हम करोड़पति हो जाएंगे, वो ये नहीं मन रहा है कि राम मंदिर से हमारा बेरोजगार लड़के को नौकरी मिल जाएगी, कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। ये जो भाई सरकारी तंत्र प्रचार कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो ठीक है, वो तो हर काम से मिलता ही है, लेकिन जो लोग भगवान राम का नाम सुन के मंदिर बन रहा है ये सुन के पुलकित हैं, भाव विह्वल हैं, उनको उससे नौकरी नहीं चाहिए, उनको उससे पैसा नहीं चाहिए। तो ये क्या है, आर्थिक स्तर विन्यास यानी, और वहां जो धनी भी जा रहा है वो भी इसलिए नहीं जा रहा कि उसको धन बढ़ेगा, वो तो बस भगवान की भक्ति में जा रहा है। हम बड़े बड़े धनियों को देखते हैं उस समय वो भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये जो भौतिक स्तर विन्यास का विलोप, आर्थिक स्तर विन्यास का विलोप और आध्यात्मिक स्तर विन्यास का भी विलोप, वो कैसे हैं वो समझना थोड़ा आवश्यक है। कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, साक्षात सुखदेव गोस्वामी है, साक्षात वेद अभ्यास है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो वो संसार के लिए उपकारी है क्योंकि वो ज्ञान देता है, उसका अस्तित्व ज्ञान का प्रसार करता है,
भक्ति के संबंध में ज्ञान को फैलाता है। लेकिन जो भक्ति का वास्तविक मर्म है कि जिसमें अचानक आप भगवान से एकाकार हो जाते हैं, वो तो बिना उस ज्ञान के भी अगर वो भाव में डूब गया, केवल ये जान लेगा कि भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तुझ में मुझ में खड़क खम में सब में वही है, तो वो उस चेतना से घुल जाएगा। इसको एक दूसरा उदाहरण है जो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि वो शक गुड़ की गली की बात करते कि एक मान लो कोई मनुष्य है, या गुड़ की ढेली का उदाहरण देते कि गुड़ की ढेली बहुत दूर से लाई गई और फिर कुएं में या पानी में या जलाशय में डाल दी गई, और एक गुड़ की ढेली वहीं रखी थी और जलाशय में डाल दी गई, दोनों समान रूप से घुलेंगी। दूसरा वो कहते थे कि एक मनुष्य बहुत दूर से आया समुद्र के किनारे, फिर वो समुद्र में छलांग लगाता है, एक दूसरा समुद्र के किनारे ही रहता है और छलांग लगाता है, चेतना का समुद्र। चेतना के समुद्र में आपने कितनी यात्रा करके छलांग लगाई वो निरर्थक है। तो जो आपका ज्ञान है वो संसार की दृष्टि से बहुत बड़ा है, लोकोपकार की दृष्टि से बहुत बड़ा है। वेदव्यास जी ने महाभारत लिख दिया, श्रीमद् भागवत लिख दिया, सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत का अमृत पान सबको कराया ज्ञान का, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से जो मोक्ष उनको मिलेगा, अगर कोई भक्त तल्लीन है तो उसे भी वही मोक्ष मिलेगा। उसे कुछ नहीं आता, उसे गीता नहीं आती, उसे महाभारत नहीं आता, वो प्रवचन नहीं कर सकता, वो बड़ी देर भाषण नहीं दे सकता, वो केवल भाव में डूबा है और उसको वही मिलेगा। तो भौतिक स्तर विन्यास का विलोप, आर्थिक स्तर विन्यास का विलोप, सामाजिक स्तर विन्यास का विलोप और बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर विन्यास का भी विलोप। विलोप का अर्थ ये नहीं है कि वो नष्ट हो जाएंगे, नहीं, वो अब का संगीत है, इररिलेवेंट। भगवान राम के संदर्भ में आप धनी हैं या गरीब, आप उच्च जाति के हैं या किस जाति के हैं, आप बहुत विद्वान हैं या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, आपने क्रमशः साधना की है या अचानक आप में बोध जग गया है और आप भगवान में हो गए हैं, ये भेद मिट जाते हैं, सारे ही भेद आपका संगीत हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो भगवान राम को निमित्त बनाकर, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर पानी लेने जाना पड़ेगा। खैर, तो भगवान राम के प्रति भक्ति भाव के कारण ये जो भाव जग गया है, मैं 1 मिनट पानी ले लूं, हाँ हाँ ले लीजिए प्लीज। सी आ रही, 1 मिनट इसको हाँ पूरा कर दूं। इस भगवान, इस राममय भाव में ये सारी चीजें अप्रासंगिक हो रही हैं। तो ये जो कम्युनिज्म है ये किस बात से प्रासंगिक था? लोगों में झूठ फैलाना कि हम तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे, है ना। समाजवाद जो है वो किस बात से प्रासंगिक था? झूठा छल देना कि हम थोड़ा समाजवाद लाएंगे, कोई अच्छी चीज है। और ये जो राष्ट्रवाद, यूरोपियन नेशनलिज्म है, ये झूठ में लोगों को राष्ट्र की बात करता है, लेकिन जो राष्ट्र का मर्म है, जो सनातन धर्म की चेतना है, उससे दूर रखता है। आप देखिए ना, भाजपा ने कभी भी अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा कि हम सनातन धर्म की भारत में और विश्व में पुनः प्रतिष्ठा करेंगे, नहीं बोला। है ना। तो राष्ट्रवाद धर्म विहीन है, समाजवाद धर्म विहीन है, कम्युनिज्म धर्म विहीन है। कम्युनिज्म रावण है, सोशलिज्म कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण और यूरोपियन किस्म का नेशनलिज्म मेघनाद है। मेघनाद की पत्नी सुलोचना सती थी, नहीं, तो आपने इस बड़ा देश, अच्छा नाम दिया, क्योंकि सोशलिज्म कुंभकर्ण को आपने रखा है, मतलब सोशलिज्म लोग हाँ सो जाते हैं, अनप्रोडक्टिव बन हाँ जाते हैं। सही नाम रखा है आपने, वो और ये जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, मेघनाद इसकी है। पत्नी, इसकी पत्नी सुलोचना सती है, हाँ और मेघनाद में थोड़ा सत्व था। जब उस लक्ष्मण को, अपने लक्ष्मण को जब मार नहीं पाया तो अपने पिता से जाके बोल रहा कि लक्ष्मण महाबली है, लक्ष्मण को तुम जानते नहीं, वो सब बोला। तो ये जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी अच्छाई है मेघनाथ की तरह, लेकिन इन तीनों का नाश होगा भगवान राम वाली चेतना से। मैं 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ, खांसी आ रही, तब तक आप हाँ बोलिए। हाँ एक्चुअली ये दर्शकों, ये जो एनालिसिस किया है रामेश्वर जी ने, बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि राम मंदिर से क्या बदलने वाला है भारत में। क्योंकि ये जो तीन जो है, इन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, ये एग्जैक्टली आज की प्रॉब्लम्स हैं भारत के साथ और विश्व के साथ। आप देख सकते हैं कि कम्युनिज्म जो है, विश्व पटल पे जो कम्युनिज्म चलता है, वी ऑल नो किस तरह जो कम्युनिज्म ने
कितना लोगों को हर्ट किया है। और इसमें मैं थोड़ा सा एक भी ऐड करूंगा, अभी मैं इनसे पूछूंगा, अभी जैसे आ गए वो, उनसे पूछूंगा जी अभी कि जब इस्लाम की जब बात आती है, वो भी जी कम्युनिज्म का ही एक चेहरा है एक तरीके का। नहीं, कम्युनिज्म और सोशलिज्म जो है वो दोनों इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट है ना। चर्च, कम्युनिज्म और सोशलिज्म और यूरोपियन नेशनलिज्म, तीनों ही इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट हैं, हाँ इसलिए वो थोड़ा डेवलप्ड चीज है तीनों। चर्च भी, क्रिश्चियनिटी भी, इस्लाम और ये सोशलिज्म भी और नेशनलिज्म भी, चारों। ये जो इस्लाम है ये एक तरह से उन्माद का फल है ना। उन्माद को क्या कहेंगे अंग्रेजी, मतलब एक एक इमोशनल एक्सटेसी या इमोशनल मतलब उन्माद, पागलपन है ना, वाइल्डरनेस इमोशंस उन्माद, को लेकर। उन्माद से उत्पाद भी मचता है बहुत। हाँ, तो ये उन्माद का फल है। इस्लाम में कहीं बुद्धि नहीं है, उनमें बुद्धि, वो बुद्धि अच्छी नहीं है चर्च में, क्रिश्चियनिटी में मतलब, और यानी चर्च यूनिटी में और कम्युनिज्म में और सोशलिज्म में और नेशनलिज्म में बुद्धि का खेल है, विकृत बुद्धि का खेल है। इस्लाम जो है वो विकृत भावना का खेल है, वो तो पागलपन है। औरतों को लूट लो, संपत्ति कर लो, मारो, है ना, केवल सेक्स का लोभ है ना, कितना सेक्स करेंगे, जबकि वस्तुतः कोई कितना करेगा। यत पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम, भागवत में ना, स्त्रियां ना न दुह्यन्ति मनस्प्रीतिम पुंसाम काम हतस्य वही। संसार भर का सोना, संसार भर के भोग विलास के लिए कोई स्त्री मिल भी जाए किसी को, तो वो उसको अगर उसके भीतर कामाग्नि धधक रही है तो कभी तृप्त नहीं होगा। तो ये कामाग्नि से पीड़ित है इस्लाम जो है, ये कामाग्नि की ज्वाला का उत्पाद है। इस्लाम जो है वो कामाग्नि की ज्वाला है, उसमें दूसरों का धन लूट लो, दूसरों की स्त्रियां छीन लो, ये तो एक कामाग्नि का पागलपन है, काम का उन्माद, कामोन्माद का। इस्लाम कामोन्माद से फैला है, इसलिए वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इस्लाम कभी ताकतवर नहीं रहा, पहले ही तुर्कों ने उसे कब्जा कर लिया था, अरबों को गुलाम बना लिया था, फिर उन्होंने उसका सहारा लेके आपस में एक दूसरे को मारा, और इसके बाद तेल के लिए अमेरिका ने इस्लाम को बढ़ाया बिल्कुल है ना, कि हम इनको मूर्ख बना के तेल में कब्जा कर लें और तेल के पैसे में, तो वो तो बेचारे शिकार हो रहे हैं। सारा मजहबी उग्रवाद यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा पोषित है। इस्लाम स्वयं, इस्लाम हैज नो पावर टू प्ले, उसको उसको खेल खिलाते हैं यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस, इसीलिए मैंने उसकी गणना नहीं की। मेरे लिए इस्लाम जो है एज ए पॉलिटिकल टूल कोई खास ताकत नहीं रखता। लोग स्टेट के, खासतौर से यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और भारत के जो स्टेट ओनर्स हैं, जो स्टेट के हेड्स हैं, वो उसको यूज करते हैं। इस्लाम इज ए टूल बीइंग यूज्ड बाय द पावरफुल पर्सन, तो इसलिए इस्लाम का ये है। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान राम की जो चेतना जगेगी वो इन तीनों का नाश इसलिए करेगी, इसको एक विशेष प्रमाण के साथ देखते हैं कि जवाहरलाल ने तो एक छोटा सा लिया, केवल अपने चुनाव चिन्ह में बैलों को लिया था, यानी उसके कारण उनको थोड़ा सा कहीं भारत से अपने को एकात्मता दिखानी पड़ी। उन्होंने कई बार, हालांकि वो भारत के जो कुछ भी वास्तविक आधार है उनको उन्होंने नाश करने में भी सहयोग दिया, लेकिन अपने को दिखाते थे कि मुझे लोग बहुत पसंद हैं, लोग चाहिए, लोकप्रिय हैं, और लोग उनको चाहते भी बहुत थे। क्योंकि मैं जवाहरलाल जी के समय में भी था, कमाई का था तो भी, इसलिए मैं खूब अच्छे से याद करता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की पॉपुलर लोकप्रियता के समान है। और जवाहर तो अभी मुख्य बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा सा लोगों के प्रति प्रेम दिखाया, तो सारे उनके कॉन्सेप्ट, सारा ही उनका थॉट सिस्टम यूरोपियन था और कम्युनिज्म से भी प्रभावित था, तो भी उन्होंने लोकतंत्र तो भारत में बचाए रखा है, इसके इसके कारण बिना किसी मार काट के भाजपा सत्ता में आ सकी। तो जब थोड़ा सा भी अगर आप भारतीयता या भारत के लोगों से प्रेम रखें तो इतना फल मिलता है। कांग्रेस जो नष्ट हो रही है और उसे नष्ट होना ही है, वो उस अच्छाई का परिणाम है कि उसने लोकतंत्र को बचाए रखा। तो भाजपा जो है वो अब भगवान राम का नाम ले रही है, यद्यपि भाजपा ने आज तक अपने किसी भी चुनाव घोषणा पत्र में
ये नहीं कहा कि हम सनातन धर्म की भारत में प्रतिष्ठा करेंगे, ये भी नहीं कहा कि हम सार्वभौम मानव मूल्यों को विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे, ये भी नहीं कहा कि हम सार्वभौम यूनिवर्सल वैल्यूज को अपनी सिटीजनशिप का नागरिकता का आधार बनाएंगे, और भारत में अगर कोई यूनिवर्सल वैल्यूज को नहीं मानता, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को यानी सत्य अहिंसा, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर देंगे, ये नहीं कहा। नतीजा ये है कि यहाँ जो हिंसक हैं, उपद्रवी हैं, कामोन्माद वाले हैं, मजहबी उग्रवादी या चर्च वाले हैं, इंटेलेक्चुअल उग्रवादी, वो सबको खूब नागरिकता मिली हुई है। तो भाजपा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जो भगवान राम की शरण में आ गई है वोट के लिए ही सही, उससे जो जो भारत की जो चिदग्नि है, भरतवंशियों की जो चिदग्नि है, वो प्रज्वलित हो रही है। धर्म चेतना का, अध्यात्म चेतना का उत्कर्ष हो रहा है। अब बहुत मुश्किल जाएगी, राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने और योगी जी ने, अब ये शेर की सवारी है। अरे जवाहरलाल नेहरू ने बैल की सवारी की थी, तो उसका तो अभी उसके कारण अंत में कांग्रेस जब अपने पद से हटी तो उसको भैंस नष्ट होना। भैंस की सवारी की थी, भैंस और ये तो शेर की सवारी कर रहे हैं। अब अगर इन्होंने राजनीति शास्त्र में महाभारत, रामायण, शुक्र नीति, चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया तो लोग इन पर थूकेंगे। अब अगर इन्होंने समाज शास्त्र में सनातन धर्म शास्त्र को नहीं पढ़ाया, स्मृतियों को नहीं पढ़ाया, मानव धर्म शास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, वैखानस स्मृति, बृहस्पति स्मृति, अंगिरा स्मृति, दक्ष स्मृति, कुछ नहीं पढ़ाया तो लोग इन पर थूकेंगे, तुम नकली हो, तुमने झूठ मूठ राम मंदिर बनाया था। अब अगर इन्होंने भारतीय वित्त शास्त्र नहीं पढ़ाया, भारतीय समाज शास्त्र नहीं पढ़ाया, भारतीय राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ाया, भारतीय साहित्य शास्त्र नहीं पढ़ाया जो रस शास्त्र का सिद्धांत है, उसकी बजाय यूरोप की जूठन पढ़ाई जा रही है भारत की यूनिवर्सिटियों में, लिटरेचर में एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, अरे क्या है वो, दिमाग के कीड़े हैं। ये अब भाजपा नहीं कर सकेगी, अभी तक करती रही है। भाजपा ने भी वही सब कूड़ा कचरा यूनिवर्सिटी में पढ़वाया है रामेश्वर जी, जो आप कांग्रेस ज्यादा खुल के बोलेंगे तो पता लगा राम मंदिर को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे वो लोग। अब राम मंदिर रोकना किसी के वश का नहीं है। तो अब क्या होगा, देखिए इसमें राजनीति में और भी शुभ हो रहा है। अभी मध्यस्थता, जैसे भारत में, जैसे जो मैं कह रहा था ना कि लोग कैसे तीनों का नाश होगा, चर्च, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और नेशनलिज्म, तीनों हायरार्की बेस्ड है। ये इनके लिए एक मिडिल मैन चाहिए, बिचौलिया, है ना। चर्च के लिए पादरी चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का बास चाहिए, सोशलिस्ट पार्टी और नेशनलिज्म के लिए आइडियालॉग चाहिए। तो उसी तरह यहाँ कोशिश हो रही थी भाजपा में कि आरएसएस चाहिए। अब जो है लोग सीधे मोदी जी से जुड़ रहे हैं, जैसे जवाहरलाल से मैंने देखा था लोगों को जुड़ते, तो मोदी जी से जुड़ रहे हैं, तो अब उनको मिडिल मैन नहीं चाहिए, अब उनको मध्यस्थ नहीं चाहिए। तो अब आरएसएस जो मध्यस्थता करता था भाजपा और समाज के बीच में, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो मध्यस्थता समाप्त, मिडिल मैन समाप्त, पादरी समाप्त, बिचौलिया समाप्त, तो ये राम राज्य से होगा। लोग सीधे मोदी से जुड़ रहे हैं और लोग सीधे भगवान श्री राम से जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं सदा सब, तो इसलिए ये मध्यस्थता नहीं चलेगी। आप पार्टी हायरार्की को अपने पार्टी फंक्शनिंग के लिए रखिए, लेकिन जनता तो सीधे नेता से जुड़ती है और उसी से जवाब मांगती है। तो ये भगवान राम की भक्ति का असर है कि अब तो न तो ये राम मंदिर रुकेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि वो तो इनका गौरव है। अभी तो ये इनको झमाझम इस चुनाव में 450 से ऊपर सीटें आने वाली हैं भाजपा की, तो मंदिर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि राजनेता के लिए सबसे बड़ी चीज है सत्ता, और कम से कम 450 सीटें लोकसभा में भाजपा की आने वाली हैं, तो वो क्यों रोकेंगे अभी तो उनको। और फिर इससे उनको पता भी नहीं चलेगा और बदल जाएंगे। ये जो भगवान राम की भक्ति है, ये एक आंतरिक रूपांतरण करती है ना, एक तरह का इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करती है भक्ति, तो इनको पता नहीं चलेगा, और राजनीति का चरित्र, खासतौर से भाजपा के राजनीति का चरित्र बदल जाएगा। और मोदी जी में वो क्षमता है और योगी जी में भी है कि वो बदल देंगे धीरे। अब लचीले हैं, देखिए ना, इन्होंने कोई आइडियोलॉजी नहीं पेश की, सबका साथ सबका विकास कह दिया, तो वो आइडियोलॉजी बहुत खतरनाक चीज है। आइडियालॉग तो सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट लोग होते हैं और कम्युनिस्ट होते हैं, तो ये आइडियालॉग की बजाय अब ये वास्तव में लोक कल्याण, लोक हित, इसकी ओर ध्यान देंगे, तो बहुत ही शुभ हो रहा है। और राम मंदिर के बनने से फिर से सनातन धर्म की प्रतिष्ठा होगी। थोड़ा थोड़ा तमस तो
अगर तमस जरा भी नहीं रहे तो ये सृष्टि टिकेगी ही नहीं, लेकिन सत्व गुण का उन्मेष होगा, भारतीय आध्यात्मिकता और भारतीय बौद्धिकता की पुनः प्रतिष्ठा होगी और भेद भी मिटेंगे, क्योंकि ये केवल राम की बात नहीं है। अभी भी देखिए जो इनके साधारण पार्टी कार्यकर्ता लोग हैं वो बहुत बड़े भ्रम में हैं, वो समझ रहे हैं कि बस राम, ये राम नहीं है, ये देश की आध्यात्मिक चेतना जग गई है, तो वो कृष्ण के बारे में भी उतनी ही, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो कोई ऐसा भेद नहीं करते राम कृष्ण और शिव में। अंग्रेजों ने तो शुरू में ये भ्रम किया था कि जो कृष्ण का भक्त है वो राम का कैसे होगा और जो शिव का है वो राम का कैसे होगा, लेकिन जो भारत का सनातन धर्म का अनुयायी है वो तो सब जानता है। तो ये है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, जगन्नाथ, सबके प्रति भक्ति, सबके प्रति चेतना, सबके प्रति सच्चा भाव जगने वाला है, और ये भारत का, भारताग्नि का जागरण है, भारत की चिदग्नि का, भरत वंशियों की चिन्मय चिदग्नि का जागरण है, ये नहीं रुकेगा। ये या तो भाजपा भी रूपांतरित होगी, रूपांतरित होती चली जाएगी, उसे क्या दिक्कत है, सत्ता चाहिए ना, सत्ता देने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप सत्ता सदा बने रहो लेकिन सत्कर्म करो ना। अब उन पर सत्कर्मों का दबाव बनेगा, अब ये केवल रोटी रोजी की योजनाएं घोषित करने से नहीं होगा कि आप रोटी रोजी तो दो और विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाओगे, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, अरे सब हेराल्ड लॉस बकवास, की, सब है ना, स्टोइसिज्म, ये सब सार्त्र। बकवास है। मैं दर्शकों को हाँ बोलूंगा ये जितने भी यूरोपियन फिलोसफीज है उसको ट्रैश में फेंक दीजिए। मैंने इस पे हाँ प्रोग्राम भी किया था, स्टोइसिज्म, एक्सेप्शनलिज्म, ये जितना भी यूरोपियन इज्म है फेंक दीजिए उसको ट्रैश, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म, यज्ञपाल एग्जिस्टेंशियलिज्म, सार्त्र मतलब सब, यहाँ और पे, यहाँ ये इतना दूर है आपकी आत्मा से कि इसको आप छुएंगे तो पाप लग डिकॉन्स्ट्रक्शन, जाएगा। लिटरेचर में डिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म चलाया इन्होंने, डिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, ये सब मार्क बच्चों के खेल हैं। अभी भारत की मेधा, भारत में जो व्याकरण का उत्कर्ष है, जो रस का सिद्धांत है, जो साहित्य शास्त्र है भारत का, उसके सामने ये बच्चों के खेल हैं, प्रगतिवाद और संरचनावाद, ये सब अब समाप्त होंगे, और भारत के विश्वविद्यालयों में इन कचरा की पढ़ाई अब रुकेगी, आगे चल के रुकनी पड़ेगी, जनता रोकनी कहेगी। पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी। अमेरिका में भी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में अल्टीमेटली ये यूरोपियन की, आजकल जो भी अमेरिका बात करते हैं वो यूरोपियन बात होती है सारी, नेटिव अमेरिकन थॉट प्रोसेस नहीं है ये यहाँ का अमेरिका का थॉट प्रोसेस नहीं है। नहीं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी, अगर अब भारत राम में हो गया तो भारत प्रेम से, चूंकि हम तो यूनिवर्सल वैल्यूज में विश्वास करते हैं, तो सनातन धर्म बहुत ही प्रेम से, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सनातन धर्म का और भगवान की भक्ति का प्रसार होगा, सबका कल्याण होगा, मैं तो चाहता हूँ भगवान कि राम की। यूएसएस जेरार्ड फोर्ड पर, जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर हनुमान जी की पताका फहराए और सारे बिल्कुल, सेलर्स बोले जय श्री राम इन अमेरिकन एक्सेंट, हाँ इससे उनका भी भला होगा, उनका भला होगा। हाँ इससे उनका बहुत भला होगा, तो यही कहना। और इस प्रकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद तीनों का नाश होने वाला है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और यूरोपियन किस्म के नेशनलिज्म का नाश होने वाला है, भारत में कम्युनिज्म का कचरा, सोशलिज्म का कचरा और यूरोपियन नेशनलिज्म का कचरा खत्म होने वाला है। प्लेटो की तो कोई किताब है नहीं, प्लेटो के नाम से पादरियों के दिमाग की खुजली पढ़ाई जाती है, उसे प्लेटो कह दिया जाता है, नो बडी नोज व्हाट प्लेटो हैज रिटन, प्लेटो का लिखा कुछ भी कहीं उपलब्ध नहीं है, ये क्रिश्चियन माइंड की खुजली है जो प्लेटो को पेश करती है झूठ। तो ये करेक्ट, सब पढ़ाई है ना, यूरोपियन क्रिश्चियन पादरियों के दिमाग की खुजली को ह्यूमैनिटीज में पढ़ाना भारत में बंद होगा, और रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र, चाणक्य की शुक्र नीति, इसके बाद शुक्र नीति, बृहस्पति नीति, शुक्र नीति सार, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, अंगिरा स्मृति, दक्ष स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये सब पढ़ाना होगा, इतना सुंदर। फिर बहुत अच्छा, साहित्य में भी है ना, भगवान भरत, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ाना होगा, उससे जीवन सुखमय होगा, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर, किसी के प्रति द्वेष नहीं। एग्जिस्टेंशियलिज्म में तो क्या है, सार्त्र, ज्ञानपाल सार्त्र को नोबेल पुरस्कार मिला और उसने क्या कहा, अदर्स आर हेल, दूसरे नरक हैं जिनसे होकर मैं गुजरता हूँ, हम तो सब में वही सियाराम में सब जग जानी, सब में चेतना, सब में चिन्मय सत्ता देखते हैं, लेकिन हाँ पापी में, पापी के पाप को मारना वो रावण का वध है, वो उसकी अंतरात्मा को मानेंगे कि इसमें ईश्वर का अंश है, लेकिन इसके भीतर पाप का कलेवर है, तो उसको नष्ट कर देंगे, है ना। तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का वध होगा, भरतवंशियों की भरताग्नि प्रदीप्त होगी,
चेतना का उन्मेष होगा, अध्यात्म का उन्मेष होगा, बहुत ही सुख होगा भगवान की भक्ति से। जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, नाथ। जय श्री राम। और अभी जो है, जो वेस्टर्न मिकी माउस सिविलाइजेशन है अभी, उसमें मिकी माउस इज मोर रियल देन यूरोपियन फिलोसफीज। तो ये जो मिकी माउस फिलोसफीज हैं, अगर जो भी आप लोग देख रहे हैं, दर्शक लोग, भाई लोग मेरे, बहन लोग, भाई लोग, जो भी आप देख रहे हैं, मेरी हिंदी थोड़ी बम्बईया हिंदी है, तो प्लीज फॉरगिव मी, मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ जैसे हिंदी में, जैसे रामेश्वर जी बोलते हैं। लेकिन मेरा ये बोलना होगा कि अपने ये जितने भी इजम्स हैं, जो यूरोपियन के हैं, जिन्होंने बात किया है, ये सभी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की औलाद है। इनको उठा उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए आप इनको। बिल्कुल और साथ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो गीता में ही पढ़ लीजिए, हाँ 13वां अध्याय, 17वां अध्याय, आपको सारा सारांश मिल जाएगा सारी फिलोसफीज का। और 16वां पढ़ेंगे तो आपको इनकी सारी पोल खुल जाएगी। हाँ और सनातन धर्म किसी से घृणा नहीं सिखाता, इसे सबसे घृणा नहीं प्रेम, सिखाता, लेकिन लेकिन हाँ अत्याचार का नाश। नाश। हाँ थैंक यू तो वेरी मच सनातन रामेश्वर मिश्र जी। आप कुछ जी बोल रहे थे, आप सनातन कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, बस हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम। तो राममय सीरीज में आई थिंक पीपल लव इट, और बहुत सारे वीडियोस आप देख भी रहे हैं राममय सीरीज में, और डिफेंस ये वो थी। हमारा 1 जनवरी से राम राम ही चल रहा है अभी, 29 तारीख से, सॉरी। तो भी राम के और भी बहुत सारे सीरीज आएंगे, और कल राम आपको, रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, बहुत सुंदर। हाँ तो राम को जीवन बनाइए, राम का नाम लीजिए, एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लेट अस नो योर फीडबैक। नमस्ते एंड थैंक यू। नमस्ते।